नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवादी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 3 दिसंबर को खूब शादियां भी हैं, ऐसे में चुनाव की जीत के जश्न में कोई खलल ना हो, इसके लिए तमाम पार्टियों और प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैंड बाजे से लेकर फूल माला, डीजे और मिठाइयों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। दुकानदार भी सामान की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थम चुका है और अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इन दिनों शादियों का मौसम भी चल रहा है। नतीजों वाले दिन यानी कि 3 दिसंबर को भी शादियों के काफी मुहूर्त हैं। ऐसे में जश्न में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसके लिए सभी पार्टियों ने ढोल बाजे, फूल मिठाइयों और डीजे के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। देखिए, कांग्रेस की सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में आ रही है। 3 तारीख के परिणाम का रुझान अभी से जनता को मिल गया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की तैयारी कर ली है। मिठाइयों के ऑर्डर हो चुका है, बैंड बाजे बुक किए जा चुके हैं। पूरी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ परिणाम आना है, रुझान हमारे पास में है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। खुशियों की पूरी तैयारी है। देखिए, 3 तारीख को जीत की आंधी रहेगी और उस आंधी में ढोल ताशा बैंड सब कुछ रहेगा। और हालांकि 3 तारीख को शादियों का भी बहुत मुहूर्त है, लेकिन 3 तारीख को शादी के बाद जो बचेंगे वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशियों के कार्यालय में आएंगे, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। वहीं फूल बाजार में भी ऑर्डर दिए जा चुके हैं। दुकानदारों ने इस दिन के लिए बाहर से फूल ऑर्डर कर दिए हैं। खास तौर पर गुलाब और गेंदे के फूलों की माला की डिमांड काफी ज्यादा है। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे निकलने वाले हैं, चाहे भी, लेकिन नतीजों के पहले तमाम जो पार्टियां हैं उनका दावा है कि जीत उनकी होगी। बीजेपी का कहना है कि उनकी जीत होगी, कांग्रेस के दावे हैं कि उनकी जीत होगी, और यही है कि रिजल्ट निकलने के बाद का जो जश्न होने वाला है उसके लेकर भी तैयारियां पार्टियों ने शुरू कर दी है। बैंड बाजे बुक करवाए जा रहे हैं और इसके साथ ही फूल, खासतौर पर अगर हम बात करें तो फूल बाजार में भी बुकिंग की जा रही है कि 3 तारीख को हार की जरूरत पड़ सकती है जो प्रत्याशी हैं, जो भी जीतेंगे उनको। और लगभग तमाम जो प्रत्याशी हैं वो उन्होंने बात कर ली है और पार्टियों ने अपनी बात कर ली है कि वो जब जश्न करेंगे तो फूलों की खासतौर पर जरूरत होती है। वहीं मिठाई की दुकानों में भी एडवांस बुकिंग हो रही है। मिठाई वालों का कहना है कि लड्डू, पेड़ा और काजू कतली की खास तौर पर तैयारी है। जीत का जश्न बिना मिठाई के अधूरा रहता है और ये वजह है कि जो प्रदेश में जो बड़ी बड़ी जो मिठाई की दुकानें हैं वहां पर भी खासतौर पे लोगों ने ऑर्डर करके रखा हुआ है और जिन्हें खासतौर पे बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि वो जीतेंगे ही। तो ऐसे प्रत्याशी ऐसे समय में जो उनके कार्यकर्ता हैं उत्साह में उन्होंने तैयारी करके भी रखी हुई है और अमूमन मिठाई की दुकानों में मिठाइयां तो मौजूद रहती है, लेकिन चूंकि चुनाव का समय है, नतीजे निकलने का समय है, जाहिर तौर पर नतीजे चाहे जो आए लेकिन हर कोई जीत के दावे कर रहा है और जीत की खुशी को यादगार बनाने की तैयारी भी। रायपुर से न्यूज 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। बस्तर संभाग के बीजेपी चुनाव प्रभारी संतोष पांडे जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा किया। संतोष पांडे ने यहां पार्टी कार्यालय में बीजेपी प्रत्याशियों, जिला अध्यक्षों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने तमाम नेताओं से मतदान के बाद स्थिति के बारे में जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने बस्तर सहित पूरे प्रदेश में जीत का दावा किया। संतोष पांडे ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की हवा चल रही है, साथ ही उन्होंने कुछ सीटों पर मुकाबला 50-50 होने की बात कही। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मात दे रहे हैं। क्या लगा? मैं तो ये कहूंगा कि आप नीचे तक जाकर के देखें, परिवर्तन की हवा, परिवर्तन की आंधी बह रही है और लोग अब मुखर होकर के कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कोई सीटों पे टक्कर वाली बात उसको नकार नहीं सकते। ऐसे अपन कुछ सीटें निकाले हैं जिसमें ऐसे लगभग 10-11 सीट है जिसमें स्वाभाविक है टक्कर है और ऐसा 50-50 जैसा कहते हैं, तो उसमें जो है वो उससे इनकार नहीं करते।
रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज तेलंगाना दौरे को लेकर कहा कि हाई कमान ने जो जिम्मेदारी दी है वे उसे पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने गैस सिलेंडर में हो रही सियासत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि किसी राज्य में सस्ता सिलेंडर और पूरे देश में महंगा सिलेंडर दिया जाए, ये कौन सा न्याय है। तेलंगाना चुनाव के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, 3 दिन रहेंगे, 25, 26, 27, 28 तक 4 दिन, और वहां कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कुछ विधानसभा सीटों के लिए, उन विधानसभा सीटों में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मुझे लगता है केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश को एक नजरिया से नहीं देख रही है। किसी राज्य में सस्ता सिलेंडर और पूरे देश में महंगा सिलेंडर, ये कौन सा न्याय है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारती दिख रही है 500 सिलेंडर का घोषणा करने के बाद। इसी का नतीजा है कि राजस्थान में 450 करना पड़ा उनको, मतलब समझ लीजिए आप, कहीं ऐसा ना हो कि तेलंगाना में 300 करना पड़े। मतलब सीधा सीधा साफ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि छत्तीसगढ़ में हारते हुए दिख रहा है, और इसी का नतीजा है 450 रुपये सिलेंडर राजस्थान में, और आखिर पूरे देश में 1200 में मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 450 और 500 क्यों, पूरे देश में एक रेट क्यों नहीं। जहां 400 का सिलेंडर को 1200 पहुंचाए भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, लेकिन आज सिर्फ चुनावी फायदा के लिए, चुनावी लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सस्ता देने सिलेंडर को 450 रुपये देने का काम कर रही है। ये भी जगदलपुर में 3 दिसंबर को मतगणना होना है। जिला कलेक्टर ने मतगणना की सारी जिम्मेदारी नारी शक्तियों के कंधे पर दी है। जिला प्रशासन ने 300 कर्मचारियों को इसके लिए तैयार भी किया है। प्रशासन के मुताबिक आदर्श महाविद्यालय में मतगणना किया जाएगा, तो वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। विधानसभा क्षेत्रों के जो मतगणना जो है हमारा इंग्लिश मीडियम जो कॉलेज है उस परिसर में होना है। इस हेतु सभी तैयारियों, सुरक्षा की जो कॉर्डन की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था और लोगों का आने जाने का व्यवस्था, सब चीज़ सुनिश्चित कर ली गई है। और मतगणना की पूरी प्रक्रिया में हमारे ज़िले में पूरी प्रक्रिया को महिला कर्मचारियों के द्वारा की जाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस हेतु आज सभी लगभग 300 लोगों को 2 चरणों में ट्रेनिंग भी हम लोगों ने, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग जो है उसको हम लोगों ने कंप्लीट भी करा लिया है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे ज़िले के लिए कि हमारे ज़िले में हुए मतदान की पूरी प्रक्रिया का जो काउंटिंग जो है हमारे महिला कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, और उनका मैं हौसला बुलंद रखना चाहूँगा ताकि वो अच्छे से पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करा सकें। कितने महिला कर्मचारी रही है? तीनों विधानसभा का देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एक विधानसभा में 60 से 70 महिलाएँ रहेंगी, तो तीनों मिलाएंगे तो 200 से लेके 220 महिलाएं उसमें कार्यरत रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने परिवार के साथ अपने गृहग्राम कुरूद डी गांव पहुंचे, जहां अपने पूरे परिवार के साथ बड़ौना रस्म का निर्वहन किया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने लिखा, आज अपने गांव कुरुडी पहुंचकर खेतों में फसलों की लुआई पूरी हो जाने के बाद लुआई को अंतिम रूप देते हुए परंपरा अनुसार बड़ौना रस्म का निर्वहन किया। ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया और कुछ तस्वीरें भी उनके द्वारा साझा की गई एक्स प्लेटफॉर्म पर, और जो रस्में उन्होंने आज निभाई अपने गांव पहुंचकर, गृहग्राम पहुंचकर, उनकी तस्वीरें और एक्सपीरियंस उन्होंने साझा किया। खबर बिलासपुर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और इसी मौके पर अरुण साव ने परिवार समेत रतनपुर में मां महामाया की पूजा अर्चना की। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अपने प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया।
हिंदुस्तान में चुनाव कहीं भी हो, किसी भी स्तर का हो, छोटे बड़े शहरों, गली चौक चौराहों, पान या चाय की दुकान पर इसकी चर्चा के बिना चुनाव अधूरा रहता है। चाहे वो इलेक्शन से पहले हो, चुनाव प्रचार के दौरान हो या फिर मतदान के बाद, और नेता नतीजों से पहले होने वाली चर्चा हो। लेकिन मुंगेली में चाय की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने चाय के चुस्के के साथ होने वाले चुनावी हार जीत की चर्चा पर रोक लगा दी। दरअसल मुंगेली में चाय पानी की दुकान का संचालन करने वाले महावीर सिंह ने अपनी दुकान पर एक पोस्टर लगाया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 3 दिसंबर तक इंतजार कीजिए, वोटों की गिनती के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप लोग जबरन लोट मत लीजिए। इस पोस्टर लगाने के पीछे महावीर सिंह की दलील है कि यहां लोग चाय पानी के लिए आते हैं और रिजल्ट को लेकर चर्चा करते हैं। इस दौरान दो अलग अलग दलों के समर्थकों के बीच विवाद बढ़ जाता है और कई बार नतीजा मारपीट तक पहुंच जाता है। इसलिए उन्होंने अपनी दुकान पर चाय पर चुनावी चर्चा करने से परहेज करने की अपील की है। यहाँ सुबह से चाय पीने आते हैं लोग, उसके बाद फिर चालू हो जाता है चर्चा की यहाँ से ये जीत रहा है, वहाँ से वो जीत रहा है, यहाँ ये समीकरण बन रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञ बन जाते हैं। फिर वाद विवाद की स्थिति आज सर्द वर्द लगने लगता है, फिर दोनों पार्टियों के जो समर्थक हैं उनके बीच में हाथापाई तक की स्थिति आ गया था, इसलिए सब उपाय करना पड़ रहा है। लगाया गया है कि 3 तारीख का इंतजार करिए, अपना बहसबाजी मत करिए, 3 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद फिर जो भी होगा फैसला जनता करेगी। जांजगीर चांपा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध खनन की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद राजस्व और खनिज विभाग ने छापामार कार्रवाई की और इसी दौरान अवैध खनन और रेत के अवैध परिवहन में 15 ट्रैक्टर और 3 हाइवा को जब्त किया। ये सभी अवैध रूप से गिट्टी और रेत का परिवहन कर रहे थे। चांपा तहसील में 4, सारागांव तहसील में 4, बमनी डी में 60 ट्रैक्टर पकड़े गए, तो वहीं जांजगीर अनुविभाग में 4 ट्रैक्टर, अकलतरा अनुविभाग में 2 ट्रेलर और 5 हाइवा जब्त किए गए। अब बात करेंगे कांकेर की, जहां नक्सलियों की एक बार फिर से आतंक देखने को मिला है। नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर एक ग्रामीण को सरिया मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि नक्सलियों ने ग्रामीण पर पुलिस के मुखबिरी का आरोप लगाया और उसकी जान ले ली। मृतक कपेवेचा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी यह भी है कि ग्रामीण को मारने के बाद नक्सलियों ने मौके पर पर्चा भी फेंका। खबर अब बिलासपुर से है, जहां जरा सी लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। दरअसल एक सड़क हादसे में मासूम की मौत हो गई, इसके पीछे वजह रही ट्रैक्टर चालक की लापरवाही। बता दें कि ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण मासूम ट्रैक्टर से गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर किसी को ना देख चालक फरार हो गया, तो वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी। और अवैध शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब मोर्चा महिलाओं ने संभाल लिया है। जी हां, महासमुंद में महिलाएं अवैध शराब के खिलाफ मैदान में उतरी हैं। यहां 17 महिला समितियों ने छापा मारा और 8 घरों से महुआ शराब जब्त की। अवैध शराब पर लगाम लगाने की ये एक सराहनीय पहल है। अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां सरिया में एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसमें बीच सड़क पर युवक की पिटाई लाठी डंडों से की गई। बता दें कि मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जो अब सामने आया है वीडियो। सोशल मीडिया पर ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है।
खबर जांजगीर चांपा से है। दिव्य व्यापार को लेकर बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। बताया जा रहा है कि शिवरी नारायण में मेला ग्राउंड में दिव्य व्यापार चल रहा था। सूचना पर तत्काल एक्शन भी लिया गया और दो पुरुष चार महिलाओं को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। इस मामले में संचालिका के साथ तीन महिलाएं गिरफ्तार की गई, साथ ही मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। शिवरी नारायण के मेला ग्राउंड में एक मुखबिर के माध्यम से कुछ दिनों से सूचना शिकायत मिल रही थी कि वहाँ द्रौपति भट्ट नाम की एक महिला है, वो अपने घरों में पिछले कई महीनों से बाहर से लड़कियाँ बुलाकर अनैतिक व्यापार धंधा कराती है। इस सूचना के आधार पे पुलिस की आज एक टीम वहाँ पर पहुंचकर रेड की, जिसमें तीन महिलाएँ और संचालिका द्रौपति भाई और दो जो ग्राहक हैं वो मौके पर अनैतिक व्यापार धंधा करते हुए पकड़े गए हैं। उनके पास से आपत्तिजनक सामान और लेन देन किए गए रुपये पैसे और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सलक्यारा सुरंग में मजदूरों के फंसने के बाद देश भर के सभी महत्वपूर्ण सुरंगों की जांच शुरू हो चुकी है। एनएचएआई ने देश भर में चल रही अन्य महत्वपूर्ण सुरंग परियोजनाओं की समीक्षा करने का फैसला किया। वहीं पुराने रेलवे टनल्स पर भी ट्रेनों की रफ्तार कम करने की बात कही। बिलासपुर कटनी रेलवे रूट पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा रेलवे टनल भनवार टंक है, जिसे 116 साल पहले अंग्रेजों की सरकार ने बनवाया था। 311 मीटर लंबा इस टनल से कटनी बिलासपुर डाउन लाइन की ट्रेनें निकलती हैं। टनल अंदर से मुड़ा होने के कारण एक छोर से दूसरी छोर को नहीं देखा जा सकता। टनल के अंदर एक जल स्रोत है जहां पहाड़ों से रिसकर पानी जमा भी होता है। इस टनल में यात्री ट्रेनों को 20 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि मालगाड़ी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाता है। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के बाद रेलवे प्रशासन सजग हुआ है और रेलवे प्रशासन ने लगातार ही टनलों से निकलने वाली गाड़ियों की रफ्तार को कम करने का निर्देश दिया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि टनल से निकलने वाली गाड़ियों की रफ्तार अब धीमी की जाएगी। सुरक्षा के एहतियात को बरतते हुए टनल से निकलने वाली गाड़ियों को धीमा तो किया जाएगा। और इस वक्त जो हम खड़े हैं भनवार टंक रेलवे टनल पर, जो बिलासपुर से कटनी रेलवे रूट पर पड़ता है, और इस टनल पर पहले से ही जो रेल की रफ्तार है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाता है। टनल का जो लंबाई है वो 311 मीटर है और यह बहुत बेहद पुराना टनल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह अंग्रेजों के ज़माने की टनल है और ये टनल को लगभग 116 साल हो चुके हैं। वहीं इस टनल को अब रख रखाव की भी ज़रूरत है। यहाँ नीचे में पटरियों पर कुछ अव्यवस्था ज़रूर दिखाई देती हैं, कोई बड़ा हादसा ना हो इसके लिए इसकी रख रखाव की अब बेहद आवश्यकता है। उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद से रेलवे टनल पर अब खासा नजर रखा जा रहा है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए सुबीर चौधरी, गोरिल्ला पिंड, मरवाही। अपने शहर में क्रिकेट मैच हो रहा हो तो किसका मन नहीं करता कि वो स्टेडियम में जाकर मैच का लुत्फ ना उठाए। इसके लिए हर शख्स टिकटों की बिक्री शुरू होते ही टिकट के जुगाड़ में लग जाता है, लेकिन तब क्या हो जब टिकटों की कीमत आदमी की चाहत पूरी ना कर पाए। कुछ ऐसा ही हाल रायपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 मुकाबले को लेकर है, जहां टिकटों की कीमत ने युवाओं की चाहत पर पानी फेर दिया है। रायपुर में 1 दिसंबर को खेले जाने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबले के लिए क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होगा। टिकट के दामों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। रायपुर में होने वाली G20 मैच को देखने के लिए दर्शकों को कम से कम 3,500 रुपए देने होंगे। छात्रों को प्रूफ देने पर टिकट 1,000 रुपए में मिलेगी। महंगे टिकट ने क्रिकेट प्रेमियों का टेंशन थोड़ा बढ़ा दिया है। टिकट का रेट कहीं ना कहीं ज्यादा है करके काफी चर्चाएं हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या कम होना चाहिए, क्या मांग करते हैं? हाँ, बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में थोड़ा मध्यमिक वर्ग के जो लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनके मुकाबले 1,000 से लेकर 25,000 के बीच है। बहुत बड़ा एक फासला है प्राइस को लेके, तो मेरे को लग रहा है कम से कम 200 से 300 रुपये टिकट होना चाहिए। क्या लगता है टिकट की दरों को लेकर? आप काफ़ी शॉर्ट्स लगाते दिखे यहाँ पे। जी,
लेकिन मेरे हिसाब से 200 या 300 रुपये टिकट होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी अगर यहाँ पर रायपुर में, नया रायपुर में मैच हुआ था तो उस पर अपना 200-300 रुपये टिकट था, लेकिन पिछले बार IPL के जो मैच होने के कारण कुछ समय के बाद मतलब टिकट का रेट बढ़ा दिए गए थे, मतलब जो टिकट का रेट बढ़ा हुआ था ना, मतलब ब्लैक में जो बेच रहे थे, तो मेरे हिसाब से कम करना चाहिए 200 या 300 रुपये तक, क्योंकि बहुत बहुत फ़ैन है जो बाहर के अपने क्रिकेटर को देखना चाहते हैं। एक तो भैया यहाँ पे मैच बहुत कम ही होता है, और ये अपना दूसरा तीसरा साल में जो मैच हो रहा है, इसी के लिए मैं बस ये बोलना चाहता हूँ टिकट का रेट कम से कम हो। इससे पहले रायपुर में मैच के मिनिमम टिकट की दर 500 रुपए होती थी, ऐसे में इस बार सबसे कम कीमत में मिलने वाला टिकट भी युवाओं की जेब से बाहर नजर आ रहा है। युवाओं का कहना है कि टिकट की दरों में कमी होनी चाहिए ताकि वो भी मैच देखने जा सकें। T20 सीरीज का दूसरा मैच है, उन्हें कितना उत्साह है, कितने एक्साइटेड है? मैम बहुत उत्साहित हैं, बट जो टिकट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जा रही है, जो मिडिल क्लास बच्चे हो जाते हैं, बैचलर्स हैं, हम पढ़ाई करने आते हैं ज्यादा सीट से भी, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि बच्चे जाके पढ़ देख सके, इंजॉय कर सके मैच। क्या करें, हम लोग फोन में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उसे कुछ कर नहीं सकते हैं। एक्साइटमेंट तो है हमारे पास, हम भी उत्साह जाके देखना चाहते हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो चीज। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप मैच? बहुत एक्साइटेड है मैम, क्या की T20 मैच तो एक 3 ओवर का बहुत ही रोमांचक रहता है, बहुत सारी बाउंड्री देखने को मिलते हैं, तो एक्साइटेड तो बहुत है, लेकिन महंगे टिकट होने के कारण मन मार के मोबाइल में ही देखना पड़ेगा। काफी समय बाद यहाँ मैच हो रहा है, मैच देखने जाएंगे आप? हम जाने का तो था, पर टिकट इतने महंगे हैं कि वो इच्छा ही नहीं कर रहा जाने का, तो सरकार से हमारी यही है कि कुछ टिकट कम करे ताकि मध्यम वर्ग के लड़के जाके उस मैच का एंजॉय ले सके, और सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि टिकट कम से कम किया जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज के आगामी मैच तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी जैसे शहरों में भी है। 28 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाले मैच के टिकट के दाम 500 रुपए से शुरू हो रहे हैं, वहीं तिरुवनंतपुरम में मैच देखने के लिए कम से कम 750 रुपए देने होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि रायपुर में टिकटों की इतनी ज्यादा कीमत क्यों? न्यूज 18 के लिए रायपुर से तनु वर्मा और आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। मुंगेली के अचानकमार टाइगर रिजर्व में सैर करने पहुंचे पर्यटकों ने बाघ को चहलकदमी करते देखकर वो रोमांचित हो उठे। पर्यटन जिप्सी में सवार पर्यटकों ने ATR के साटापानी में बाघ को अपने कैमरा में कैद किया, CCF में इस वीडियो को शेयर भी किया है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर शहर में भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा पहुंची। बता दें कि शोभा यात्रा का आतिशबाजी के साथ स्वागत भी किया गया। भजन कीर्तन के साथ गुरु नानक जी का 554वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुद्वारे में भव्य साज सज्जा की गई। 27 नवम्बर को प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।